एम ट्रस्ट की जानिब से कामयाब 40 उम्मीदवारों में उनकी कामयाबी पे तकरीब इस्तकबालिया बांसबेड़िया के आईएम हाई मदरसा में। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता। हम आपको बता दें, बांसबेड़िया के आईएम हाई मदरसा में चलने वाला एक एजुकेशनल ट्रस्ट एम्स ट्रस्ट, जिसकी जानिब से उस ट्रस्ट में कामयाब 25 उम्मीदवार और 15 ट्रस्ट के ही कामयाब उम्मीदवारों के दरमियान एक इस्तकबालिया दिया गया। ये प्रोग्राम आईएम हाई मदरसा के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे शकील अहमद साहब, आईएएस कमिश्नर हुकूमत मगरी बंगाल, और मोहम्मद इजहार आलम, डब्ल्यूबीसीएस जॉइंट कमिश्नर यूनिट एसटीएमसीटी हुकूमत मगरी बंगाल। इस प्रोग्राम को अपने मुकर्रर वक्त पे शुरू किया गया, जिसकी सदारत इस अदारे के ही एक फैकल्टी और वाइस प्रेसिडेंट जनाब ताहिर हुसैन, डब्ल्यूबीसीएस साबिक एडिशनल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर हुकूमत मगरी बंगाल ने की। इस प्रोग्राम में इनके अलावा कई मुअज्जिज हस्तियां, जिसमें आईएम हाई मदरसा के कमेटी के सेक्रेटरी जुल्फिकार अली और बांसबेड़िया माइनॉरिटी टाउन के सदर और एम्स के सदर अख्तर रहमान, 11 नंबर वार्ड की काउंसिलर मुनीरा खातून के अलावा इलाकाई मुअज्जिज हस्तियां मौजूद रही। आइए देख लेंगे सबों ने क्या कुछ कहा इस प्रोग्राम को लेकर साफियों से बात करते हुए। आइए सुनते हैं उनकी बातें और जान लेते हैं इस प्रोग्राम का असल मकसद। तो बहुत खुशी की बात है कि एम्स कोचिंग सेंटर अच्छा कर रहा है, जहाँ भी इस तरह के बच्चे को मोटिवेट किया जाता है या जहाँ से बच्चे कोचिंग करके आगे बढ़ते हैं, तो वह वैसी जगह मैं जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जाऊँ, मसरूफियत के बावजूद भी तो बहुत अच्छा लग रहा है। समाज के ऐसे लोगों को क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के तहत से, कि जैसे माइनॉरिटीज़ की, खास करके माइनॉरिटीज़ में देखा जाता है बच्चे तालीम को लेकर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं? तो तालीम, मैंने तो अपनी तकरीर में यहाँ पे बोल दिया है, आपने रिकॉर्ड किया होगा उसको, तालीम तो बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, कोई सिर्फ करियर के लिए नहीं, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए या इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है तालीम बहुत ही ज़रूरी है। क्या करना चाहिए बच्चों को अपने अचीवमेंट को हासिल करने के लिए? मेहनत करनी चाहिए। थोड़ा उसके बारे में कुछ मशवरा दीजिए, किस तरह की मेहनत वो करे? सबसे पहले तो ख्वाब देखना चाहिए, फिर ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, और अगर कुछ छोटी मंजिल, पहली मंजिल मिल जाए तो वो उसको आखिरी मंजिल नहीं समझना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को लेकर। देखिए, इस तरह का प्रोग्राम जो है समाज में जो लोग जिंदा हैं, जो लोग सोचते हैं, वो लोग समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और इसी सिलसिले में कड़ी एम्स ट्रस्ट जिन्होंने ये कोशिश की है कि लोग एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर वो अपने ख्वाबों की तकमील कर सकें। हमारे यहाँ आम तौर से होता है कि ख्वाब देखने का अमल ही बहुत कमज़ोर है, हम बहुत छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान नहीं दे करके तालीम को सिर्फ नौकरी से जोड़ते हैं। मैं समझता हूँ तालीम के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंसान के अंदर आदमियत आ जाए, इंसान सीख जाए, तो वो खुद का जब भला करना सीखेगा तो वो पूरे समाज को भला कर सकेगा। और एम्स ट्रस्ट के जितने भी अराकीन हैं, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने समाज में एक ऐसा इलाका, हुगली का इलाका जो आमतौर से कलकत्ता से काफ़ी दूर है, और वहाँ वो तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया कर रहे हैं अपने इलाके में, इसके लिए वो तमाम अराकीन बहुत ही मुबारकबाद के मुस्ताक हैं। और आपके चैनल के ज़रिए मैं, जहाँ तक कि आपकी आवाज़ जा रही है, मैंने कहा है कि जिस तरह से पहले ज़माने में वीडियो पार्टल हुआ करते थे, अब इंफॉर्मेशन सेंटर और कोचिंग सेंटर खोलने की ज़रूरत है ताकि हम अगली जनरेशन को सही पैगाम दे सकें। तो दोस्तों, कोचिंग सेंटर का मकसद ये है कि बच्चों को मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम के लिए तैयार कराया जाए, मटेरियल्स दिए जाए, जो कोचिंग्स दिए जाए। ये तकरीबन 5 साल का सफ़र है, 5 साल के सफ़र में इस तंजीम से जुड़े हुए करीब 40 लोग कामयाब हुए हैं, 25 तो डायरेक्ट कामयाब हुए हैं जो इसे कोचिंग लिए हैं, और 15 लोग ऐसे हैं जो इस तंजीम से किसी न किसी सूरत में जुड़े हुए हैं। देखिए, समाज में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग तामीरी सोच वाले होते हैं, इनका मकसद ये होता है कि अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के बाद फिर जो वो तजर्बा हासिल किए हैं या कामयाबी का कुछ हुनर उनके पास है तो उसको दूसरों में तकसीम करें, बांटें। हमारा मकसद भी यही था, तामीरी सोच की एक टीम यहाँ पर काम कर रही है, इस
टीम में सिराज आलम साहब हैं जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं, मैं मोहम्मद नसरुद्दीन, मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे बगल में ताहिर हुसैन साहब हैं, साबिक डोमिनेशन ऑफिसर हैं, ये यहाँ के नायब सदर हैं। और बगल में कलाम साहब हैं जो हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हैं और यहाँ के बहुत ही एक्टिव ग्रुप में। हम इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज, हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ फैकल्टी में हर तरह के लोग हैं। हमारे यहाँ जो ट्रेनीज हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, उन्हें बंगला मीडियम के ही बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के ही बच्चे हैं, उर्दू मीडियम के ही बच्चे हैं। मुख्तलिफ इम्तहानात में वो कामयाब हुए हैं, सरकारी नौकरी में उनकी मुलाजमत हुई है, कुछ बंगाल में, कुछ बिहार में। आज का प्रोग्राम उन्हीं का इस्तकबालिया था। हम लोगों ने मिमोंटा की शक्ल में उनको इस्तकबालिया दिया, एक शपथनामा, एक मिमेंटो, जस्ट एक टोकन है उनकी मेहनत का और उनकी सताइश का, ताकि उनका हौसला बुलंद रहे और ज़िंदगी में वो आगे भी कामयाब हों। और जो दूसरे बच्चे स्कूल के जो आज शामिल थे इस प्रोग्राम में, उनके सामने भी एक नज़ीर पेश किया गया, ये बच्चे जब ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं तो तुम भी हो सकते हो, मुस्तकबिल तुम्हारा है। हमारे आज के ख़ास दो मेहमान थे जनाब शकील अहमद साहब, जो MEME डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में स्पेशल कमिश्नर हैं, और जो 2021 में WBCS से प्रमोशन पा करके आयुष ऑफिसर हुए हैं। दूसरे जो हमारे मेहमान थे गेस्ट ऑफ ऑनर, वो जनाब इजहार आलम साहब, जो कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, बड़े पोस्ट पर हैं। तो दोनों की तकरीर से बच्चों ने भरपूर फ़ायदा उठाया, दोनों अपने अपने फील्ड में मिसले रहा हैं, दोनों रोशनी दिखाने वाले हैं और उनसे रोशनी पाकर बहुत से रास्ते रोशन होंगे, मुआर होंगे। तो हमारा एक छोटा सा मकसद है और बहुत ही छोटी सी कोशिश है, समाज का पिछड़ा तबका, वो तबका जो काफ़ी पीछे है, ये तबका उसको तरक्की दी जाए, उसको एम्पावर किया जाए। और एम्पावरमेंट का एक बड़ा जो हथियार है वो ये है कि तालीम हासिल करने के बाद बच्चे सरकारी नौकरियों में जाएं। बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं मगर उन्हें मिल नहीं पा रहा, तो आप आज हुगली एम्स की तरफ से कैसे, मतलब वो आपसे रब्ता कायम करें और आपके कॉम्पिटिटिव सेंटर पे पहुँचे? देखिए, इस प्रोग्राम का एक मकसद ये भी था कि एम्स की कामयाबी, जिसकी इसका जो सक्सेस स्टोरी है, उसको दूसरों तक पहुँचाया जाए ताकि बच्चे यहाँ पर आएँ। हम लोग बहुत ही कम पैसे में, काफ़ी कम फीस लेकर के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा होता है कि उनकी दी गई फीस से हमारा खर्च नहीं चलता है। फिर हम लोग जो इसके मुख्तलिफ कारकुन हैं, हम लोग अपने पॉकेट से इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, चंदा भी हम लोग उठाते हैं। तो मकसद हमारा यही है कि ये बात फैले, दूर तक जाए, और जैसे जैसे रोशनी फैलेगी वैसे वैसे अंधेरा दूर होगा, और एक दिन आएगा कि बच्चे आएंगे यहाँ पे और यहाँ से कोचिंग लेंगे अगर हमारा रिजल्ट ठीक हो रहा है। देखिए, एक चीज़ है कि जो इदारे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, अगर वो जंगल में भी कायम किए जाते हैं तो बच्चे वहाँ पे जाते हैं। एक नाम है शाहीन स्कूल का, जो बिदर में कायम है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, और बिल्कुल वो एक काफ़ी शहर से बाहर, इलाके से बाहर, एक वीराने जगह में उस इदारे को कायम किया गया है, लेकिन लोग वहाँ जा रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। असल चीज़ है रिजल्ट। आज जो 25 एम्स की जानिब से बासिंदगान बासबेरिया के गार्जियन हजरात को मदऊ किया जाता है कि वो अपने अपने बच्चों को इस एम्स में भर्ती करें। ये अदारा अभी कोशिश कर रहे हैं कि इस अदारे में से बच्चे आगे बढ़ें, और यहाँ जो भी फैकल्टीज़ हैं वो अच्छी तौर पे अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं यहाँ, एक अफसोस का मकाम है कि कुछ बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इस ड्रॉप आउट को ख़त्म करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं हमसे इस अदारे से जुड़े रहें। आपकी तारीफ सर? मेरी तारीफ
मोहम्मद ताहिर हुसैन, मैं एम्स का नायब प्रेसिडेंट भी हूँ और एम्स में फैकल्टी के तौर पे भी बच्चों को दर्श देता हूँ, पढ़ाता हूँ। थैंक यू सर।